7 years old. Welcome to my channel. Wants to learn kabhi bhi kahin bhi. Aaj cooking nahi, plantation nahi. Today something different. Kyunki seekhna hai sab kuch. To aaj mere learning journey mein ek naya addition hone ja raha hai. To aaiye mere saath dekhiye main aaj kya seekh rahi hoon. So guys, aap dekh rahe hain ye kya hai? जी हाँ, ये है शेफ कैट। तो आज मैं सीख रही हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि ये मेरा लर्निंग जर्नी है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी। तो आज आर्ट एंड क्राफ्ट में ये शेफ कैप बनाना सीख रही हूँ। ये शेफ कैप मामा ने ऐसे ही रफली बनाई थी, तो आज मैं मामा से इसका परफेक्ट तरीका सीख रही हूँ। तो ये शेफ कैप बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे बाल मत देखिएगा, क्योंकि आज मामा ने मेरे बहुत खूब चम्पी किए, इसलिए मेरे बाल थोड़े ऑयली हो रहे हैं। तो इसलिए ये मैं कैप दोबारा पहन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ग्लेस शीट, ग्लिटर शीट, कार्ड शीट, सीजर कटिंग के लिए, कटर कटिंग के लिए, स्केल मेजरमेंट के लिए, मार्कर मार्क के लिए, और डबल साइडेड टेप, और ये स्टेपलर, अगर इसकी भी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले मामा मेरे हेड का साइज नापेंगी। तो फ्रेंड्स, ये राउंड 21 आया है और हम कार्ड शीट पे कटिंग करेंगे 22। फ्रेंड, एक्चुअली ये कार्ड शीट नहीं है, बल्कि ये पुराने कैलेंडर का एक कार्ड है जिसे हम यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये राउंड हमने 22 ना बता, और अब हम एक मार्क लगाएंगे 2.5 पर। अब हम इसको यहाँ पर भी लगा रहे हैं, इस तरफ भी। कटिंग के लिए मैं स्केल की मदद से लाइन लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये राउंड 22 है और इसका 16 आ रहा है, तो हमें इसे दो बार कटिंग करना होगा। फ्रेंड्स, अब मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये कटिंग हो गई है, अब हम इसको काट के अलग कर लेंगे। और अब मैं इसको एक शीट 16 इंच की है, अब हमें इसको 22 करने के लिए कितना चाहिए होगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22 और एक इंच ज्यादा। तो अब हम इस पर 7 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे।
हमें यहाँ इस वक्त इस ट्रांसपेरेंट टेप की जरूरत पड़ेगी। इसको ज्वाइन कर लिया है, अब हम इसको इस साइड से ज्वाइन करेंगे। ये राउंड तैयार हो गया है। और ये बिल्कुल 21 आया है। अब बारी है ग्लेस पेपर की, अब हम इसको कटिंग करेंगे। स्कूल के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मामा भी घर में कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, तो इसलिए सारा सामान हम घर में मौजूद होता है। अब मजीद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये एक स्क्वायर है, अब हम इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब मैं आपको दोबारा से इसको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। पहले हम इसको ऐसे करेंगे और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, क्योंकि हमें इसकी राउंड राउंड कटिंग करनी है। और फिर मजीद ऐसे, और अब इसको अब हम कटिंग करेंगे। अब मामा इस पे मार्क कर रही हैं कटिंग के लिए। ये फट ना जाए इसलिए मामा इसकी कटिंग करके देंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर था, लेकिन अब ये राउंड सर्कल बन चुका है। अब इसकी बारी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डबल साइडेड टेप की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसके मैं इसके राउंड अराउंड लगाऊंगी। देखे मैंने इसको बीच से हाफ कर लिया है। थोड़ा गलत कर दिया है से। हमने डबल साइडेड टेप इसलिए यूज किया है क्योंकि ग्लेस पेपर बहुत नाजुक होता है, तो इसलिए तो हम उस पर अगर कोई ग्लू यूज करेंगे तो वो फट सकता है, इसलिए मैंने ये डबल साइडेड टेप यूज किया है। और आप देख रहे हैं मैंने अभी इसके ऊपर की टेपिंग नहीं हटाई है। फ्रेंड्स अब हम इसमें हल्के हल्के वेव बनाते जाएंगे।
साइड से मामा बना रही हूँ और इधर साइड से मैं बना रही हूँ। आप देख रहे हैं हम ऊपर का कवर थोड़ा थोड़ा हटाएंगे, एक साथ नहीं हटाएंगे। थोड़ी थोड़ी क्रशिंग करके पेस्ट करती जा रही हैं। इस तरह करके हम इसे पूरा राउंड बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा पेस्ट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको ग्लिटर शीट की मदद से पूरा डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, हम ग्लिटर शीट से 2.5 के दो पीसेस काटेंगे। मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने इस ग्लिटर शीट पर निशान लगा लिए हैं। अब हम दूसरे कलर की शीट पर 4 पीसेस कट करेंगे। मैंने इस पे भी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं सब की कटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने ये दोनों पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं ये कट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें इसका कवर थोड़ा थोड़ा हटाना है और यहाँ ऐसे इसको यूं यूं लगाना है। हमें इसको बहुत टाइट करके नहीं लगाना है, इसको हमें बहुत लूज लूज करके लगाना है।
आप देख रहे हैं ये तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ा ओवरलैप करके कट कर देंगे। फ्रेंड्स अब हमने इसको कट कर लिया है। फ्रेंड्स अब हमने ये जो ब्लू शीट्स कट करके रखी हुई थी अब हमने इस पे पेस्ट करनी है लाइक दिस। फ्रेंड्स इसका जो ये रैपर है वो हम थोड़ा थोड़ा हटाएंगे और पेस्ट करेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा बचा है वो उसको हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स अब मैं इन अल्फाबेट्स की मदद से इस पर कुछ लिख कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा है, टू बी अ शेफ। मैं एक शेफ बनना चाहती हूँ। यूजुअली शेफ का कैप वाइट होता है। मामा मेरे लिए वाइट फैब्रिक से वो कैप तैयार कर रही हैं। जब तक मैं किचन में रेसिपीज की वीडियोस बनाते वक्त ये कैप पहनूंगी। आई होप आपको मेरा ये शेफ कैप पसंद आई होगा। अब मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू, अल्लाह हाफिज़।